दोस्तों जय जवान जय किसान। दोस्तों हर बार कुछ नया कहने की तत्परता रहती है और इस बार जो बात करनी है वो आपके मुनाफे की है, प्रॉफिट की है। मुनाफा कैसा? तो जो किसान है, व्यापारी है, ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रांसपोर्टर है, सभी के लिए मुनाफे की बात है। क्योंकि एक जो खेत उत्पाद होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसकी खरीद बिक्री करना, ये सभी में जो लोग जुड़े हैं उनको इस बात से मुनाफा होगा। दोस्तों अभी भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। किसके लिए? पाम उत्पादकों के लिए। तो आज बात करेंगे पाम की खेती और उसके व्यापार की। देश में जो वनस्पति तेल का यूज होता है उसमें से 56% पाम ऑयल का होता है और ये जो 56% पाम ऑयल है उसका 96% हम इंपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं। इसका मतलब 100 लीटर पाम ऑयल का यूज होता है देश में तो 96 लीटर इंपोर्ट किया हुआ होता है। ये इंपोर्ट कहां से होता है? ये इंपोर्ट होता है मलेशिया और इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के 85% पाम ऑयल के उत्पादक है। अब दिमाग में बात आएगी कि हम पाम ऑयल कहाँ खाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, हम पाम ऑयल खाते हैं और उसका यूज भी करते हैं। पाम ऑयल का यूज होता है नूडल्स में, मैगी में, आइसक्रीम में और जंक फूड में, केक में, बिस्किट में और न जाने कितनी खाद्य पदार्थों में होता है। और साथ साथ जो सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स है, उसमें भी उसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो पाम ऑयल की मांग हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अभी सरकार ने 60-100% तक पाम ऑयल की खेती के लिए सब्सिडी का ऐलान किया है और इसके लिए 11,000 करोड़ की सब्सिडी तो डिक्लेयर कर दी है और रिलीज भी कर दी है। तो पाम ऑयल के लिए पाम का जो पौधा है वो कहां से मिलेगा? पाम का पौधा मिलेगा ज्यादातर आंध्र प्रदेश से मिलता है और वो भी रुचि सोया। आपने जरूर नाम सुना होगा रुचि सोया का। ये कंपनी बाबा रामदेव की है, पतंजलि की है और ये 1 से 1.5 साल का पौधा 10 रुपये में तकरीबन सेल करती है। और ये पौधा जब 4 से 5 साल का होगा तभी ये पाम का उत्पादन इसमें से शुरू होगा और पाम को पीसकर पाम ऑयल बनाया जाता है। और ये पाम ऑयल देश में जितना उत्पादन होता है ये उत्पादन का 90% रुचि सोया बनाती है। अब पाम की खेती की बात करें तो देश में कोस्टल एरिया है वहां पे पाम की खेती आसानी से हो सकती है। तो 15x15 फीट के अंतर पर, डिस्टेंस पर पाम का पौधा लगता है। तो 1 एकड़ में तकरीबन 193 पौधे हम लगा पाते हैं और ये 4 साल के बाद उत्पाद देगा। और जो 100 किलो पाम का उत्पादन होगा तो उसमें से तकरीबन 20 किलो पाम ऑयल निकलता है। तो पाम की खेती करने वाले किसान, पाम का ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर, पाम ऑयल का ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर और पाम को पीसकर उसका तेल निकालने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी को इससे लाभ होगा। तो पाम ऑयल की खेती करनी चाहिए और क्योंकि इसमें सरकार की सब्सिडी है तो ये तकरीबन 0% कॉस्ट में आप पाम की खेती कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा, प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करें पाम की खेती और लाभ पाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।